या बड़ी गाड़ी या एक बहुत ही बड़ी अच्छी जॉब चाहिए। सक्सेस वो है जो आपको रोज रोज खुश रखे और जिसके लिए आप उठ के रोज लड़ने के लिए तैयार रहे। तो आज किसी भी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए अपनी लाइफ में ऑनलाइन प्रेजेंस की बहुत जरूरत है। किसी न किसी भी तरह से अपने पैशन को प्रोफेशन बना सकते हैं। दैट इज द बिगेस्ट थिंग अ पर्सन कैन डू। आप रोज गिरोगे, आप रोज उठोगे, आप रोज आपको लोग बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता, बट अगर आप खुद के अंदर बिलीव रखते हो तो आप सब कुछ पा सकते हो। अगर मेरी जर्नी की बात करें तो मैं जयपुर की रहने वाली हूँ एंड मैंने मेरी स्कूलिंग सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। मैंने जेईई मेंस क्रैक करके बीआईटी मेसरा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची जयपुर कैंपस में इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से खत्म की है इन दिस ईयर 2017, वन ईयर बैक। बट मेरी कंपनी को आज 4 साल हो गए हैं एंड अब आपको ये ध्यान आएगा कि आपकी ग्रेजुएशन 2017 में हुई है, कंपनी को 4 साल हो गए हैं। मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो अगर मैं उस चीज की बात करूं तो यही एक राइट एज होती है व्हेन वी आर इन कॉलेज, जब हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंट करके अपने इंटरेस्ट को जान सकते हैं तो इससे अच्छी कोई भी बात नहीं हो सकती है। देयर आर पीपल हु आर सीकिंग जॉब्स। आप में से बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग हैं जो जॉब्स के लिए आज ट्राई कर रहे हैं? क्या मैं हाथ खड़ा देख सकती हूँ? कितने लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? 2-3। बाकी के लोग क्या करना चाहते हैं लाइफ में? और आप में से शायद बहुत सारे लोग जिनका हाथ नहीं उठा वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें जॉब लेनी चाहिए या फिर हमें कुछ और करना चाहिए। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने मेरी लाइफ में एक्सपेरिमेंट अपने सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दिया था। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी मम्मा है एंड इन लाइफ शी हैज टॉट मी अ लॉट कि आप अपनी लाइफ में सुबह से शाम, शी इज वेरी डिसिप्लिन। अगर आप सुबह उनकी लाइफ साइकिल को देखेंगे तो इट स्टार्ट्स विद 5 एंड इट एंड्स एट 10 विद अ हैप्पी स्माइल। एंड इट्स नॉट ओनली माय मम्मा, ये हम सबकी मम्मा, अगर आप घर में देखेंगे तो एवरी मम्मा इज डूइंग एवरी डैम थिंग फॉर देयर फैमिली। आई थिंक आप सब इस चीज को अग्री करते। मेरी लाइफ में मेरा जो रोल मॉडल प्ले करते हैं वो मेरी मम्मा है। मेरी वर्क लाइफ में जो मेरा रोल मॉडल प्ले करते हैं वो मेरे फ्रेंड है। सो ही इज अमंग अस, ही इज अभिजीत विजयवर्गीय, फाउंडर ऑफ ग्लोबल आंसर्स। हम लोगों ने साथ में सेकेंड ईयर में, जब आप आज हम लोग जब बाहर कैफेज की बात करते हैं, हमारी जो मिलेनियल जनरेशन है, मिलेनियल जनरेशन वो जनरेशन है जो 21st सेंचुरी में आप अपने एडल्टहुड तक पहुंची है। सो ऑल ऑफ अस, लाइक आई एम ऑल्सो 23 एंड आप लोग भी 20 से 25 एज के स्पैन में लाई करते हैं, आई गेस, ठीक है? तो उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं वो कॉलेज लाइफ के अंदर ये सोचते हैं कि ठीक है, जैसे स्कूल निकला है वैसे कॉलेज लाइफ में निकल जाएगी एंड आफ्टर कॉलेज लाइफ सोच लेंगे कि लाइफ में क्या होगा। जिसको जॉब मिल गई वो ठीक है, अदरवाइज हम एक साल फिर ड्रॉप करके किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, गवर्नमेंट में निकल गए तो ठीक है, अदरवाइज वी गो सम फॉर सम प्राइवेट जॉब। अगर हम सबकी बात करें तो आज सबका यही कहना है मोस्ट ऑफ द पीपल का। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे आसपास के लोगों की वजह से तय होता है कि हम कहां जा रहे हैं। अगर आपने ये कहावत सुनी है, इट्स अ वेरी फेमस सेइंग इन इंग्लिश, दैट आप अपने आसपास के 5 लोगों के एवरेज होते हैं। आप जितने पास आपके 5 लोग रहते हैं पूरे दिन में, इन विच यू स्पेंड 24 आवर्स जिन लोगों के साथ, आप उन 5ों के एवरेज होते हैं। तो जो आपकी कंपनी है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपकी लाइफ में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट मी, आई स्टार्टेड दिस इन सेकेंड ईयर ऑफ माय कॉलेज। जब हम लोग फ्रीलांसिंग करते थे एंड लाइक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फीस बहुत हाई है बीइंग अ प्राइवेट कॉलेज, तो हम लोग को ये लगता था कि हमें घर वालों से पैसे नहीं लेने चाहिए, बिकॉज इन इंजीनियरिंग एंड इन एवरी लाइफ हम लोग को ऐसा रहता है कि
सैटरडे संडे को बाहर जाना होता है, कई बार मूवीज हो जाती है, कई बार प्रोजेक्ट की जितने भी स्कूल में या कॉलेज में जितनी भी चीजें चलती है उन सबके लिए हमें पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड उस एज तक आते आते हमें ऐसा लगता है कि हर चीज हम अपने मम्मी पापा से नहीं मांग सकते। तो उस चीज को स्टार्ट करने के लिए टू ऑफ माई फ्रेंड्स दे स्टार्टेड देयर जर्नी। वन वॉज लिविंग फ्रॉम जबलपुर टू जयपुर, उसने ऐसा लगा कि नहीं यार मेरे को मेरे मम्मी पापा से नहीं लेना चाहिए। सेकेंड वॉज अभिजीत हु सिटिंग अमंग यू कि नहीं यार ठीक है जितना भी करते हैं हम खुद से स्टार्ट करते हैं एंड वील डू दैट। फ्रीलांसिंग एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे जैसे फाइबर अपवर्क प्रॉपटल ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन पे ही जो कि आपके स्किल सेट से आप अकाउंट बनाते हैं एंड वहां से डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपके पास आते हैं एंड आप जैसे इस प्रोजेक्ट्स को खत्म करते हैं वैसे यू गेट मनी आउट ऑफ इट इन योर अकाउंट इन डॉलर्स और इन व्हाटएवर कंट्री यू आर सर्विंग उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद जब हम लोगों ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया तो हमें धीरे धीरे उस चीज का वो लेवल आ गए। दे ऑल स्टार्टेड इंग्लिश में, मेरा जो मेन फोर्टे था वो इंग्लिश था एंड आज भी है। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है ये लोग प्रोजेक्ट्स लाते थे मैं करती थी एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें समझ में आया कि फ्रीलांसिंग में बहुत सारे लफड़े हैं। जो बाहर जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे फ्रीलांसिंग बहुत कॉमन फिनोमेना है कि किसी भी बिजनेस ओनर को कोई भी चीज चाहिए होती है तो दे गो ऑन अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म और वो फ्रीलांसर्स को सर्च कर लेते हैं कि कौन किस चीज के लिए ऐप्ट है, उनसे वो प्रोजेक्ट करवाते हैं और वो उसको उस अकॉर्डिंग पे कर देते हैं जिससे उन्हें रेगुलर एम्प्लॉयज या किसी एक एजेंसी से बंधना नहीं पड़ता। आज की अगर हम बात करें तो आज इंडिया में फ्रीलांसिंग का जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हो गया है। तो आज के जमाने में एसएमई एंड एंटरप्रेन्योर्स अपने जो बेसिक काम है वो आउटसोर्स कर रहे हैं। उस टाइम पे हमें रियलाइज हुआ कि फ्रीलांसिंग में जो बिजनेस ओनर है उसके साथ चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं रहती हैं एंड चीजें उतनी अच्छी नहीं हो पाती हैं जितनी अच्छी हो सकती थी। सो ही अभिजीत स्टार्टेड द आइडिया कि हाँ हम अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं। विद दिस आइडिया आई गॉट द स्पार्क कि यस वी कैन डू दिस एंड बट सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर तक हमने पूरी फ्रीलांसिंग की, थर्ड ईयर में वी स्टार्टेड आवर ओन प्लेटफॉर्म कि धीरे धीरे सही हमने एक बहुत ही क्रूड सी वेबसाइट बनाई खुद से ही सब कुछ सीख के। हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को केटर करने की कोशिश की एक ही प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम बिजनेसेस को असिस्ट करना चाहते थे, जहां उन्हें एक एक डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए एक एक अलग अलग लोगों से ना मिलके एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाए। क्योंकि आज अगर हम किसी भी बिजनेस या किसी भी स्मॉल स्केल ओनर की बात करेंगे तो उनके साथ आज सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी है दैट इज उनके पास टीम भी होती है और अगर टीम के लिए या तो उन्हें पैसा खर्च करना पड़ता है इन ऑर्डर टू कीप एम्प्लॉइज या फिर उन्हें किसी भी एजेंसी के पास जाना पड़ता है अपना काम कराने के लिए, दे चार्ज देम हैंडसम अमाउंट। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है ग्लोबल आंसर्स, व्हाट वी डू इज हम किसी भी बिजनेस के साथ टीम अप होके उनको हायर ए टीम का कंसेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं इन विच हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे 150 प्लस डिजिटल ऑनलाइन सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं रेंजिंग फ्रॉम क्रिएटिव टू डिजाइन, बिजनेस एंड सपोर्ट, टेक एंड डेवलपमेंट एंड कंटेंट एंड मार्केटिंग। तो ऑनलाइन स्फीयर में अगर आप आज देख रहे हैं तो मैक्सिमम बिजनेसेस जो कि ट्रेडिशनल उस पर नहीं चल के आज जो ब्रेक थ्रू ला रहे हैं, अगर आप एमेजन की बात करें, अगर आप फ्लिपकार्ट की बात करें, दे पीपल आर हैविंग देयर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। तो आज किसी भी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए अपनी लाइफ में ऑनलाइन प्रेजेंस की बहुत जरूरत है और ग्लोबल आंसर्स उनकी सारी ऑनलाइन नीड्स को कैटर करता है। टॉकिंग अबाउट हाउ वॉज माई जर्नी इन ग्लोबल आंसर्स, तो इंजीनियरिंग खत्म की थी, फोर्थ ईयर 2017 खत्म हो रहा था, पीपल आई वॉज हैविंग अ डिसेंट सीजीपीए, तो एवरीबडी वॉज लाइक की सिर्फ फॉर अ प्लेसमेंट, प्लेसमेंट पे बैठो। और घर वाले मेरे जितने भी माई फैमिली बैकग्राउंड इज बेसिकली फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, तो उन लोग का ये था कि बिजनेस इज नॉट समथिंग विच इज स्टेबल, बिजनेस में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है और आप अपनी लाइफ के साथ रिस्क कर रहे हो। और उन लोग का सपोर्ट मेरे साथ हमेशा कॉन्स्टेंट रहा है बट इनिशियल में उनका यही था कि बिजनेस में नहीं जाना है क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है एंड यू कैन इजिली क्रैक सम गुड एग्जाम थ्रू गेट और आप जा सकते हो अपने अपने पीएसयू सेक्टर में कहीं पे भी अच्छी जॉब पे जा सकते हो। उसके लिए आई वॉज नॉट रेडी, मैं एज अ पर्सन आई एम
innovator and Kathak dancer. Through freelancing, I realized कि मेरा जो English में interest है या जो मेरा लिखने में interest है, that is much more ahead और वही एक चीज है जो मुझे सुकून देती है. वही एक चीज है कि जो मुझे ये देती है कि ठीक है, अगर कुछ भी नहीं होगा and you write, अगर सब डांट रहे हैं, सब दबका रहे हैं and एक चीज जो आपको शांति देती है, अगर आप उस चीज को अपनी जिंदगी में पहचान पाते हैं और किसी ना किसी भी तरह से अपने पैशन को प्रोफेशन बना सकते हैं, दैट इज द बिगेस्ट थिंग अ पर्सन कैन डू. एंड हम जितने भी सक्सेसफुल लोगों की बात करें, चाहे वो आज हमारे बीच में हो, आयरन मैन जो है, उन लोगों ने भी यही किया. अपने पैशन के थ्रू जो भी सक्सेसफुल हुआ है, वो आप देखेंगे उनकी सक्सेस जर्नी बहुत ही टफ रहती है, नो डाउट, कि आपको हर स्टेप पे क्रिटिसिज्म मिलता है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो कि आप कहां जा रहे हो. आप रोज गिरोगे, आप रोज उठोगे, आप रोज आपको लोग बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता, बट अगर आप खुद के अंदर बिलीव रखते हो तो आप सब कुछ पा सकते हो. जैसे कि सर ने कहा कि इट इज ऑल मेंटल बैरियर्स, आई टू अग्री विद द फैक्ट कि जब तक हमारे दिमाग ने हमें कह रखा है कि ये नहीं हो सकता, हम वो नहीं करते हैं. जिस दिन हमने दिमाग की ओवरलुक करके अपनी चीज की करने की कोशिश की, उस दिन हमें रियलाइज होता है कि हमारा एक्चुअल पोटेंशियल क्या है. मेरी तरफ से जो आप लोग के लिए टेक अवे है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करिए, सक्सेस वो नहीं है कि मेरे को एक बड़ा बंगला या बड़ी गाड़ी या एक बहुत ही बड़ी अच्छी जॉब चाहिए. सक्सेस वो है जो आपको रोज रोज खुश रखे और जिसके लिए आप उठ के रोज लड़ने के लिए तैयार है. आई वुड लाइक टू थैंक इग्नाइट टॉक्स फॉर लेटिंग मी कम हियर एंड गिविंग प्लेटफॉर्म टू शेयर माई लाइफ एक्सपीरियंस विद दीज वंडरफुल पीपल. थैंक यू सो मच. ऐसे ही और वीडियो सुनने के लिए इग्नाइट टॉक्स का चैनल सब्सक्राइब करें एवं साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंचे.